हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मनीषा त्यागी के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे और लहसुन की चटनी। आलू को अच्छे से धो लेंगे, धो के इनको इसे गिर में रख देंगे। तो अभी मैंने ये अच्छे से धुल लिए हैं और धुल के अभी इनको कुकर में लगा के रख दूंगी, हो जाएंगे। तो तब तक मैं चटनी बना लूंगी। लहसुन की चटनी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और तब तक मैं कर लेती हूँ चटनी की तैयारी। लहसुन को छील लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है लहसुन की चटनी। टमाटर भी डाल देती हूँ। ये लाल मिर्च, लहसुन की चटनी लाल मिर्च की अच्छी लगती है, बस हरी मिर्च की नहीं अच्छी लगती। और सूखे धनिए पिसे हुए, हाथ से ही बटूंगी क्योंकि मिक्सी से बटी हुई में स्वाद नहीं आता, इसलिए इसे हाथ से बटती हूँ। अच्छी लगती है हाथ से बटी हुई।
लहसुन है, सूखे धनिए है, लाल मिर्च है और ये जीरा है। नमक है, वो आद की बटी में बहुत स्वाद आता है। तो चटनी हो चुकी है रेडी बन के, अब मैं उधर आलू दे दूंगी धोने के लिए। इधर सोनम लगा चुकी है आटा, आटा लगा के रख दिया। उधर आलू भी उबल गए हैं और मैं अब आलू का भुजा बना के रख दूंगी। चार आलू मिले तो इतने बच्चे करूंगा, एक किलो चार लेंगे। ये बलक भी लगाए तो फायदा को मैं नहीं करी, बाबू नहीं करी मरी जा। अब तो गाइस ये बन चुके हैं पराठे और अब कर रहे हैं खाने की तैयारी। खा रहे हैं पराठे और आज का ब्लॉग यही बंद करते हैं।